नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी। और सबसे पहले आप तमाम दर्शकों को हिंदू नववर्ष की ढेरों शुभकामनाएं, और साथ ही नवरात्रि का आज पहला दिन है उसकी भी आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। तो आज हम बात करेंगे उस पावन पर्व की जिसे हम नवरात्रि कहते हैं, यानी शक्ति की उपासना के बेहद खास 9 दिन। इन दिनों माँ दुर्गा की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है, तो तमाम कष्ट भी आपके दूर हो जाते हैं, साथ ही मां की असीम कृपा भी मिल जाती है। नवरात्रि के पहले दिन पूजा अर्चना करने की विधि और महत्व बताने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिष आचार्य सायम जी। सायम जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, और नववर्ष की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। नववर्ष पर देवी माँ की पूजा से शुरू की जाती है, तो आज पहला दिन है, इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार। बिल्कुल, तो इन्हीं खास शुभकामनाओं के साथ हम अपने खास कार्यक्रम की भी शुरुआत करते हैं। तो आज नवरात्रि का पहला दिन है, और नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है। ये मां दुर्गा की 9 शक्तियों में से पहली शक्ति है। इस दिन उपासना में योगी अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करते हैं, यहीं से उनकी योग साधना का प्रारंभ होता है। नवरात्रि में देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है। हर दिन शक्ति के अलग अलग रूपों की पूजा होती है। बेहद भक्तिभाव से मनाने वाले पर्व में 9 दिनों तक व्रत रखने की भी परंपरा है। नवरात्रि के पहले दिन शक्ति स्वरूपा माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माँ शैलपुत्री को आदि शक्ति का प्रथम स्वरूप माना जाता है। ये पर्व 9 दिनों तक भारतीय संस्कृति की अनोखी झलक है। माँ शैलपुत्री की पूजा लाल फूल, रोली, चंदन और अक्षत से की जाती। उसके बाद पहले दिन माँ शैलपुत्री के स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन से कई लोग 9 दिन का या फिर 1 दिन का उपवास रखते हैं। कहा जाता है कि माँ शैलपुत्री की उपासना और अर्चना करने से सूर्य मजबूत होता है, और गाय के शुद्ध घी का प्रसाद बनाकर माँ शैलपुत्री को भोग लगाने से माँ भक्तों पर अपनी कृपा बरसाती है और मनचाहा वरदान देती है। इस भोग को ग्रहण करने से अच्छी सेहत का भी वरदान मिलता है, और साथ ही साथ व्यक्ति को अपार मान सम्मान भी मिलता है। तो चलिए नवरात्रि के पहले दिन की महिमा के बारे में जानते हैं। पहले दिन माँ शैलपुत्री के स्वरूप की उपासना की जाती है। लाल फूल, रोली, चंदन और अक्षत से शैलपुत्री की पूजा की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन सूर्य संबंधी समस्याओं का निवारण कर सकते हैं। माँ शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण इनको शैलपुत्री कहा जाता है। पूर्व जन्म में इनका नाम सती था, और ये भगवान शिव की पत्नी थी। सती के पिता दक्ष ने भगवान शिव का अपमान कर दिया था, और इसी वजह से सती ने खुद को यज्ञ अग्नि में भस्म कर लिया था। अगले जन्म में सती शैलपुत्री बनी और भगवान शिव से ही विवाह किया, और तभी से अब तक भगवान शिव की पत्नी पार्वती रूप में भी उन्हें जाना जाता है। तो आपने जाना कि पहले दिन माँ शैलपुत्री की किस तरीके से आप पूजा अर्चना करें, और साथ ही किस तरीके से माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना करने से आपके तमाम जो कष्ट हैं वो दूर हो जाएंगे और आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और जाहिर तौर पर आज हम ज्योतिषाचार्य सायम जी से जानेंगे कि आज यानी नवरात्रि के पहले दिन आप पूजा अर्चना कैसे करें, माता को क्या कुछ भोग लगाएं जिससे माता की असीम कृपा आप पर, आपके परिवार पर पड़े। ज्योतिषाचार्य सायम जी, क्योंकि जाहिर तौर पर ये कहा जाता है कि नवरात्रि का पहला दिन है और आज से जो हिंदू नववर्ष है उसकी भी शुरुआत हो रही है अमित जी, तो किस तरीके से जो पूजा अर्चना है माँ शैलपुत्री की वो की जाए, क्या कुछ भोग लगाएं और माँ को किस तरीके से प्रसन्न करें ताकि हमारी तमाम जो मनोकामनाएं हैं वो पूरी हो जाएं और उनकी असीम कृपा भी हम पर, हमारे परिवार पर पड़े। जी, जैसा कि आपको बता चुके हैं पहले ही कैसे घट स्थापना करें, आपने घट स्थापना कर ही लिया होगा, तो
तो आपके पूजा स्थान पे घट विराजमान होगा और आप घट जो है उसको ये मान करके कि वो घट देवी का प्रतीक है, देवी उसमें विराजमान है, इस तरह से आपको पूजन करना है। लेकिन क्या है कि आप के अंदर कल्पना करने के लिए आपको आसानी हो, इसके लिए आपको देवी का प्रतीकात्मक आप चित्र रखें या फिर उनकी मूर्ति हो, लेकिन ध्यान रखें कि मूर्ति बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए। मूर्ति कितनी बड़ी हो, शास्त्र के हिसाब से मूर्ति बित्ता प्रमाण के हिसाब से होनी चाहिए, मतलब आप पति पत्नी में जो भी जिसकी हाइट कम हो, जिसकी मतलब इसका हाइट कम हो, उसके हाथ में भी या हाथ कम हो तो उसके देखिए छोटा हो। पति का अगर पति का इतना बड़ा है और पत्नी का इतना बड़ा है तो पत्नी के हिसाब से, ताकि किसी के लिए बड़ा ना पड़ जाए, दोनों में से जिसका बित्ता प्रमाण छोटा है उसको उसके हिसाब से उतनी बड़ा या उससे छोटी मूर्ति आप रख सकते हैं। उसमें कोई विशेष विधान नहीं करना पड़ेगा। यदि इससे बड़ा हुआ तो उसमें आपको बहुत विशेष विधान करना पड़ेगा। हर व्यक्ति के लिए अलग अलग साइज़ होगा, अलग अलग बित्ते के हिसाब से। तो इस तरह से आप मूर्ति रख सकते हैं। उसके बाद क्या करना, मूर्ति कैसी हो इसका भी ध्यान रख लें कि मूर्ति जो है सबसे अच्छी तो मिट्टी की होती है। उसके बाद आप सोने की रख सकते हैं, चांदी की रख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो अष्टधातु की भी रख सकते हैं, लकड़ी की भी रख सकते हैं। ध्यान रहे कि अगर आप किसी मेटल की रख रहे हैं तो मेटल में आजकल फेस अच्छा नहीं होता है, तो फेस बहुत अच्छा होना चाहिए, फेस ब्यूटीफुल होना चाहिए। आपका आपकी खुद की शक्ल परमात्मा ने अच्छी बनाया, तो आपकी शक्ल से बेहतर नहीं है तो आप एक तरह से देवी माँ का अपमान कर रहे हैं। आप सिर्फ उस मोह में कि वो धातु सोने के चक्कर में या चांदी के चक्कर में आप उसकी क्वालिटी खराब करके रखे हैं, तो ऐसा मत करिए। देवी का अच्छा रूप रखिए जिसको देख के आपके अंदर फील आए कि हाँ देवी है, तो ऐसी फीलिंग वाली ही मूर्ति या तस्वीर अपने पास रखें, सामने रखें। उसके बाद शुरुआत ऐसे करनी है कि सबसे पहले ध्यान रहे कि गणपति जी जरूर होने चाहिए। किसी भी पूजा को शुरू करने के पहले गणपति जी होने चाहिए, तो गणपति जी को भी सामने विराज जाए तो बहुत बढ़िया है। आप इनको इनकी फोटो को या मूर्ति को आप अक्षत बिछा करके, अक्षत मतलब बिना टूटा हुआ चावल, उसको हल्दी के साथ मिक्स कर लीजिए, थोड़ा पीला कर लीजिए, उसको बिखेर दीजिए, उसके ऊपर ही उनको रखना है। और ये तो आपको पता ही, घट स्थापना के हिसाब से मैंने बता ही दिया है कि आपको वस्त्र बिछा कर करना है। तो जब भी देवी को रखें या देवता को रखें तो उनको वस्त्र रख करके उसके ऊपर अक्षत रख के उसके ऊपर मान देते हुए रखें, तो इससे बहुत अच्छा रहेगा। इससे क्या करना है कि आप जब सब कुछ ऐसे स्थिति कर लेते हैं तो उसके बाद आपको पूजन स्टार्ट करना है। लेकिन पूजन स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले संकल्प लेना बहुत ज़रूरी है। आपकी जन्म पत्रिका में आपको नक्षत्र लिखा होगा, वो नक्षत्र आप देख लीजिए कौन सा नक्षत्र है और राशि देख लीजिए कौन सी है। आपको अपने परिवार से गोत्र पता लग जाएगा। यदि स्त्री पूजन कर रही है तो उसको मायके का गोत्र नहीं चलेगा, उसके पति के फैमिली का गोत्र चलेगा। तो इस तरह से जो अपने पति से पूछ लें कि गोत्र क्या है और उस क्या करना, नाम गोत्र नक्षत्र राशि, ये चारों चीज़ बोल करके आपको संकल्प करना है कि मैं अपना नाम गोत्र, उसके बाद नक्षत्र, उसके बाद राशि, आज की तिथि बोलना पड़ेगा कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के प्रथम तिथि को ऐसे कर रही हूँ, मतलब ये पूजा करने जा रही हूँ, देवी माँ का शैलपुत्री रूप का पूजन करने जा रही हूँ। अतः कृपा करके हे परमात्मा मुझे सहयोग करें जिससे यह पूजा निर्विघ्न पूर्ण हो और इसका फल मुझे तक्षण प्राप्त हो। निर्विघ्न पूर्ण हो सकता है आपने पूजा करना स्टार्ट किया, स्पार्किंग हुई, आग लग गया, हो सकता है कि कोई बहुत बड़ी आवाज़ आई जिससे आपको डर लगा कि मेरा बच्चा गिर गया, सचमुच बच्चा नहीं गिरा, भय भी हो सकता है, ऐसे कन्फ्यूजन हो सकता है, या फिर कोई दरवाजे पर आ गया, कुछ भी हो सकता है, पता चला कि कोई विषैला जीव निकल आया, सांप ही निकल आए, 50 तरह की बाधाएं होती है, ये मत सोचिए कि नहीं आएगी, बाधा आती हैं, तो इसलिए आप इन सब बाधाओं से बच जाएं, इसके लिए प्रार्थना कर लें और उसके बाद आपको तक्षण प्राप्त हो जाए, मतलब पूजा पूर्ण होती आपको फल मिल जाए, नहीं तो पता चला फल 10 साल के बाद मिल रहा है तो ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए आप जैसा बोलेंगे संकल्प उसी हिसाब से आपको फल मिलेगा। और जल हाथ में लेकर के दाहिने हाथ में जल लेंगे, बाएं हाथ को नीचे रखेंगे और जल लेकर के ऐसे सामने की तरफ गिराएंगे, दाएं से बाएं से नहीं करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। ये देव तीर्थ होता है सामने वाला, इस तरह सामने से गिराएं उसको और ज़मीन पर गिरा दें, कारपेट पर ना गिराएं, ज़मीन पर गिराएं। आप 10वीं मंजिल पर रहते हैं तो भी आप ज़मीन पर ही गिराएंगे, फर्श पर गिराएंगे। इस तरह से आप संकल्प लेंगे और संकल्प लेने के बाद पूजन करने बैठेंगे। पूजन करते समय क्या करना है, आप शुद्धि के लिए मंत्र बोल लेना है। आप नहाने के बाद भी कई बार हम लोग बहुत सारी चीज़ें छूते रहते हैं, हाथ भी धोए फिर नल बंद करेंगे तो शुद्धि थोड़ी बहुत हो ही जाती है। तो आप क्या करें, अच्छा रहेगा, दाहिने हाथ में जल लें और मंत्र बोलें, ओम पवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो अपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्ष स भायाभ्यंतरः शुचिः, ऐसे बोल करके जल को अपने ऊपर छिड़क लीजिए। इससे आपका आपकी देह पवित्र हो जाएगी। कई बार किसी वजह से आप फ्लाइट में हैं और आप मानसिक पूजा कर रहे हैं, या आप ट्रेन में हैं मानसिक पूजा कर रहे हैं, तो भी आप मंत्र बोल करके अपने आप को शुद्ध कर लें, क्योंकि नहाने का मौका नहीं मिल पाया तो भी ये आप शुद्ध हो जाते हैं इस मंत्र से। ऐसा है, मतलब अपवित्र अपवित्र से पवित्र हो जाते हैं और उसके बाद फिर क्या है, आपके शरीर में शुद्धि आ जाती है इस मंत्र से। तो इस तरह से करने के बाद अब आप पूजा के योग्य हैं। ध्यान रहे आसन के बारे में बता देते हैं कि आसन रखेंगे या पूजा में, जमीन पे तो बैठना नहीं है, तो आसन रखने में क्या करना है, मर्द के लिए पुरुष के लिए कुश आसन
होता है, लेकिन कुछ आसन पे स्त्रियां नहीं बैठती हैं शास्त्र के हिसाब से, तो इसीलिए उन्हीं आसन जो होता है वो पुरुष भी बैठ सकते हैं, स्त्रियां बैठ सकती हैं। तो पारिवारिक लोग चाहें तो उन्हीं आसन बिछा लें, लेकिन कोई सिद्धि करना चाहता है, साधना करना चाहता है, विशेष जाप करना चाहता है, तो पुरुष कुछ आसन रख सकते हैं, कुछ आसन का बड़ा ही लाभ है। तो इस तरह से उन्हीं आसन पे बैठ जाएं, लाल हो पीला हो कलर तो बहुत अच्छा रहेगा, नीला या काला डार्क ब्राउन ये सब कलर नहीं चलेंगे, शुभ कलर चलेंगे। तो इसलिए आप ऐसे वस्त्र आसन बिछा करके आप बैठ जाएं, और उसके बाद शुद्धि करने के बाद आप शुरुआत करेंगे। शुरुआत करने में क्या है कि सबसे पहले आप दीपक जला लें, उसके बाद पंचोपचार पूजा कर लें या षोडशोपचार पूजा करें। पंचोपचार मतलब पाँच चीज़ों से पूजा करते हैं, और षोडशोपचार में 16 तरीके से पूजा करते हैं। तो पंचोपचार में फल फूल मिठाई वस्त्र सुगंध इतनी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो इस तरह से करके आपको करना है, सबसे पहले आप दीपक जलाएंगे और अग्निदेव को नमस्कार करें, और जलाते समय बोले कि हे अग्निदेव आइए पधारिए और मेरी पूजा का प्रमाण बनिए, मतलब मैं साक्षी बनिए कि मैं पूजा कर रही हूँ या कर रहा हूँ बोल करके, और अग्निदेव आइए पधारिए और मेरा आदर स्वीकार करिए। उसके बाद उनको भी अक्षत पे ही बिठाइएगा, मतलब जैसे मैंने बताया देवी को अग्निदेव है करके उनको बिठाना है। उसके बाद उनको टीका लगा के स्वागत भी करना, तो जब पूजा करें तो उनको सबसे पहले अग्निदेव की पूजा करके इस तरह से करके उनको बुला लें। उसके बाद फिर गणपति जी की पूजा करें, गणपति जी को नमस्कार करके उनको दीप दिखाएं, धूप दिखाएं, फूल फूल मिठाई वस्त्र सुगंध मैंने बताया, तो उनको पीली पीली चीज़ें, उनकी जो पीली पीली चीज़ें उनको चढ़ाएं, और उसके बाद फिर क्या है कि उनको भी भोग चढ़ाएं, उनको लड्डू प्रिय है तो लड्डू उनको चढ़ाएं, बाकी आपके जो दिल करता है उनको चढ़ाएं। उसके बाद उनसे बोले कि हे गणपति देव कृपा करके मुझे मेरे अब तक के सारे जन्मों के पापों दोषों के लिए कम से कम अभी के लिए क्षमा कर दें, जिससे मैं सही तरीके से पूजा कर पाऊँ। तो इस तरह से करके उनसे प्रार्थना करें और बोले कि मैं अभी देवी माँ के शैलपुत्री रूप की पूजा करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, कृपा करके मुझे आशीर्वाद दें जिससे मैं पूजा सफलतापूर्वक कर सकूँ, उसका फल मुझे तत्क्षण प्राप्त हो जाए। इस तरह से गणपति जी से विनती कर लेंगे, प्रार्थना करेंगे, उसके बाद फिर उनसे नमस्कार करके उनको आशीर्वाद लेकर के फिर देवी माँ की तरफ बढ़ेंगे, फिर देवी माँ की पूजा करना शुरू करेंगे। जी तो, बिल्कुल ज्योतिषाचार्य अमित जी, क्योंकि एक सवाल और मैं यहाँ पर पूछना चाहूंगी, इस बार देवी के जो नौ रूप होते हैं वो काफी शक्तिशाली होते हैं, लेकिन माँ तो माँ होती है, माँ दुर्गा के स्वरूप की पूजा की जाती है, तो ये नौ रूप अलग अलग उनकी पूजा का क्या महत्व होता है? और साथ में ये भी जानना चाहूंगी क्योंकि इस बार मैंने सुना है काफी स्ट्रांग योग जो है ग्रहों का वो बन रहा है। जी असल में क्या है कि ये बहुत बड़ा भ्रम है, बहुत सारा कन्फ्यूज़न है, और बात है भी ऐसा है भी, कन्फ्यूज़न वाली बात है भी कि देवी माँ की एक साथ ऐसी पूजा की जाए, देवी माँ तो एक ही हैं, तो परमात्मा एक ही हैं, तो ऐसा क्यों? देखिए क्या होता है, जैसे गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक ही रहेगी, लेकिन उसके नीचे मिनिस्टर्स बदलते रहते हैं, और मिनिस्टर कभी ये मिनिस्टर कभी वो मिनिस्टर, और मिनिस्टर में क्या होता है एजुकेशन मिनिस्टर काम एजुकेशन देना है, सब मिनिस्टर का काम अलग अलग है, जो फाइनेंस मिनिस्टर है उसका धन देना है। तो इसी तरह से क्या है, मिनिस्ट्री की तरह से है, सब देवी का अपना अपना काम है, सरस्वती माँ का विद्या देना है अलग, और लक्ष्मी माँ का धन देना है, तो इसी तरह से सबका अपना डिपार्टमेंट है, और आप जिन देवी की जिस रूप से उस पूजा करेंगे उसी तरह से फल मिलेगा। परमात्मा शून्य है और परमात्मा कोई रूप नहीं है उनका, लेकिन जब धीरे धीरे कर डेफिनेशन में आते हैं, अगर संसार चलाना है तो उसके लिए एक पावर चाहिए होगी, किसी खास पर्टिकुलर चीज़ों के लिए अलग चाहिए होगा, जैसे विद्या के लिए, ज्ञान के लिए सरस्वती माँ को क्रिएट किया गया और सरस्वती माँ ही विद्या को संभाल रही हैं, लक्ष्मी जी विद्या देवी इसमें धन को संभाल रही हैं। तो इस तरह से हर देवी का हर देवता का अलग अलग टास्क है, काम है, कार्य है, लेकिन कभी कभी इमरजेंसी में जब जरूरत पड़ी तो फिर क्या होता है, तब एक फोर्स बनाई जाती है, जैसे कि इमरजेंसी आ गई तो अपने देश में भी बहुत सारी फोर्सेस हैं, जैसे कि ITBP है, बॉर्डर पुलिस है वो, और इसी तरह से क्या है कि स्पेशल टास्क फोर्स होता है। तो ये इस तरह से क्या, ये सब क्यों बनाई गई, बनाई गई जरूरत के हिसाब से फोर्स, वही मनुष्य को एक खास तौर पर ट्रेन करके बनाया जाता है। तो इसी तरह से एक कभी जीवन में संकट आता है, कभी देवता क्या करते हैं कि कोई देवी का किसी पावर को या कई देवियों के पावर को, कई देवताओं के पावर को मिला करके एक देवता का या देवी का निर्माण करते हैं, रचना करते हैं, ताकि उस पर्टिकुलर मुसीबत से, समस्या से मतलब मुकाबला किया जा सके। तो इसलिए क्या है कि यहाँ पर देवी के भिन्न भिन्न रूप हैं, आप सभी रूप का देखिएगा, और अभी क्यों सारे रूप एक साथ किया था, इसका क्या आपस में तालमेल है, उसका कारण यह है हिंदू नववर्ष स्टार्ट हो रहा है, तो नववर्ष स्टार्ट कहते हैं वेल बिगिनिंग इज हाफ डन, तो आप शुरुआत अगर अच्छे तरीके से हो तो शुरुआत में सभी देवी के वो रूप जो पावरफुल रूप हैं, जिसमें उन्होंने हमारी रक्षा किया है, कुछ खास किया है, सभी पावरफुल रूप का वन बाई वन पूजा करते हैं, इससे क्या होता है वो सारे पावर हमें मिल जाती है, शक्ति मिल जाती है, उनके साथ ट्यूनिंग अच्छी कर लेते हैं ताकि हमारे जीवन में मुसीबत ना आए, नेगेटिविटी खत्म हो और पॉजिटिविटी आए, हमारी रक्षा हो और हम आगे बढ़ सकें। तो ये विशेष तौर पर इस तरह से की जाती है। जी ज्योतिषाचार्य अमित जी, नौ ग्रहों का स्ट्रॉन्ग योग भी बन रहा है, उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएं।
देखिए, आप देख रहे होंगे दुनिया में बहुत सारे हलचल हो रही हैं, बहुत जबरदस्त तरीके से पावरफुली चीजें हो रही हैं। जिसको लड़ना है वो लड़ रहा है, जिसको अपराध छोड़ना है वो अपराध छोड़ रहा है। आप देख रहे होंगे बहुत सारे अपराधी सरेंडर कर रहे हैं, आकर के सरेंडर कर रहे हैं कि आप अपराध नहीं करेंगे। मतलब वो अब बुराई छोड़ दे रहे हैं। बुराई छोड़ना इतना आसान नहीं होता, एक बार आप गलत ट्रैक पर चल पड़े तो इतना आसान नहीं होता छोड़ करके अपने प्रोफेशन को चेंज करने। उनका तो प्रोफेशन है लूट कर या बदमाशी करके काम करना। तो ये सब क्या है कि ये सब चीज़ें जो है बदलाव आ रही हैं, रिवोल्यूशन एक तरह से चेंज आ रहा है। क्यों हो रहा है? ग्रह बहुत तरीके से पावरफुली चेंज कर रहे हैं यूनिवर्स को, तो इसलिए बहुत कुछ बदलाव आने वाला है। और भी मैंने कहा, पहले भी कहा है कि बहुत सारे और भी डिजास्टर तकलीफ होने वाली हैं, इसलिए सावधान रहें, कोशिश करें कि अपने जीवन में पाप न करें और अपने अंदर परिवर्तन करें, क्योंकि अभी ग्रहों का ऐसा संयोग है इसके हिसाब से अपने देश में भारतवर्ष में तो अच्छा होने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि भारतवर्ष की जन्मपत्री में बहुत अच्छा होने का, परिवर्तन होने का योग बन रहा है। और आप देख भी रहे होंगे बहुत सारी बुरी बातें परिवर्तन हो रहा है, जैसे कश्मीर फाइल्स निकल के आ गई, इतनी ट्रेजेडिक बात थी, बहुत बुरी बातें थी, लेकिन वो दबी हुई थी, वो निकल के आ रही है। इससे क्या हो रहा है, बहुत लोगों को लग रहा है कि हमने गलत किया, वो सामने आ रहे हैं। बहुत लोगों को लगा हमने जस्टिस नहीं किया, तो न्याय करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब एक तरह से अच्छाई अच्छाई जो बुराई पे विजय प्राप्त कर रही है, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो इस तरह से ये नवग्रह का संयोग बहुत अच्छा है, बहुत पावरफुल है। इस समय पर अगर आप सभी ने ठीक तरीके से पूजा कर लिया तो आपके अंदर की जो अच्छाई वो इतनी पावरफुल हो जाएगी, आप भी बुराई पे विजय प्राप्त कर लेंगे और आप आगे बढ़ जाएंगे बहुत अच्छी तरीके से, खुशियों के साथ, अच्छाई के साथ, सच्चाई के साथ। इसीलिए बहुत विशेष है इस बार पूजा करना। बिल्कुल अमित जी, अब क्योंकि हर बार जब भी नवरात्रे आते हैं तो कई बार ऐसी कंफ्यूजन होती है कि दो नवरात्र एक साथ पड़ रहे होते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। पूरे जो नवरात्र है, 9 दिन है, वो पूरे हैं, कोई घटबड़ नहीं रहा। जी, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत ये बहुत शुभ माना जाता है। देखिए मैंने क्या कहा, हर देवी के वो पावरफुल रूप को, 9 रूप को की पूजा की जा रही है। हर रूप का विशेष महत्व है। अब किसी समय कोई देवी का रूप नहीं पूजा हो पाएगी, वो दिन निकल गया, रह गया, क्योंकि तो उसके लिए डेडिकेटेड है देवी का वो दिन। तो अब क्या है कि वो देवी का आपको लाभ नहीं मिल पाया उस वर्ष। कभी कभी किसी दिन किसी समय ज़्यादा हो जाता है, देवी के 2 दिन मिल जाते हैं तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिल जाता है, लेकिन जब नहीं हो पाता तो बहुत नुकसान होता है। इस बार संतुलित मिल रहा है, मतलब सारे रूप का बहुत पावरफुली आपको मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, तो आप इसका फ़ायदा उठाएं। अच्छे से सभी देवी के रूप की पूजा करें, बहुत ज़रूरी है। कोई व्यक्ति अगर फास्ट नहीं कर पाता है, व्रत नहीं कर पाता है, तो चिंता न करें, आप देवी माँ के बच्चे हैं, उनको माँ मान करके पूजा करें। कोई माँ नहीं चाहती उनका बच्चा भूखा रहे। जो भूखा रखने की बात होती है, उपवास रखने, वो आपके हठ योग में आता है, तो आप हठ योगी हैं तो फिर उसका फिर तो रखें, नहीं तो आप खा पी के भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि अशुद्ध चीज़ें ना खाएं, शुभ चीज़ें खाएं और सात्विकता का पालन करें। देखिए गरिष्ठ चीज़ें खाने से क्या होता है, आपके पेट में ना बहुत हेवीनेस हो जाता है, आपकी बॉडी में जो कैलोरी कंजम्पशन होता है साइंटिफिकली, वो पेट में और दिमाग में सबसे ज़्यादा होता है। तो अब क्या है कि आपने हेवी खाना खा लिया, आपकी बॉडी में तो एनर्जी बहुत लग रही है हजम करने में, तो आपकी शक्ति कैसे बढ़ पाएगी? तो इसलिए क्या है कि फलाहार वगैरह ऐसी चीज़ जो हजम हो जाती है आसानी से, वो तुरंत शक्ति देती है, वैसी चीज़ों का सेवन अगर इस बीच में करें, अगर भोजन करना भी है तो लाइट चीज़ें खाएं जिसमें ताकत ज़्यादा आए और हजम करने में ताकत कम लगे, पौष्टिक चीज़ें खाएं। तो इससे क्या होगा, आपको शक्ति का लॉस तो नहीं होगा, शक्ति गेन हो जाएगी, और मंत्र जाप से पूजा से आपको गेन करें वो लॉस नहीं होगा, वो डाइजेशन में खत्म नहीं हो जाएगी बल्कि वो बचेगी और आपका ऑरा एक्सपैंड होगा, आपकी पावर बढ़ेगी और आगे काम आएगी आपको पूरे साल तक। जी जी अमित जी, क्योंकि बहुत कम शब्दों में यहाँ पे ये भी जानना चाहूंगी, क्योंकि 2 साल से कोरोना काल चला आया, कुछ नए चीजें जो है वो लोग नहीं कर पाए, या काम धंधा शुरू करना चाह रहे वो नहीं कर पाए, या गृह प्रवेश, या अपना घर लिया है गृह प्रवेश नहीं कर पाए, लेकिन ये नवरात्र कितनी खुशियां लेकर उन लोगों के लिए आया है जो कि नए हिंदू नव वर्ष के तहत नए काम की शुरुआत आज नवरात्र के पहले दिन से करना चाहते हैं। जी, बहुत ज़रूरी है, और कोरोना काल ने तो सभी को बहुत पूरी तरह से तहस नहस करके, मतलब पूरा तबाह कर दिया, लोगों की बैंक बैलेंस खत्म हो गए, बहुत मुसीबत में आ गए, बीमारी की वजह से शरीर खराब हो गया, जिसका इम्पैक्ट आज भी आ रहा है कि जोड़ों में दर्द, पेट में तकलीफ, बहुत सारी तकलीफें हो रही हैं। तो मेरी सलाह रही कि अभी पूजा की विधि बता रहे हैं, पूजा देवी माँ की पूजा में गणपति जी की पूजा की विधि बता दिया, सभी लोग जिनको तकलीफ़ है मेरी हाथ जोड़ के विनती है, कृपा करके ठीक तरीके से पूजा करें। देखिए आप बाद में कहिएगा कि बातें सही है कि नहीं सही है, पहले मेरी बात मान लीजिए। आप पढ़ाई किए हैं तो बचपन में क्या होता था, हमेशा होता था कि लेट द प्राइस ऑफ मैंगो बी एक्स, कभी भी आम की कीमत एक्स नहीं होती है, कभी काम की कीमत 100 हो, जरूरी नहीं है, लेकिन आप मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, अगर मान लेते थे कि माना कि वस्तु का मूल्य एक्स या 100, उसके बाद आप जब इक्वेशन करते हैं तो बाद में असली कीमत पता लग जाती थी। तो अभी मान लीजिए कि देवी है, मान लीजिए कि हो जाएगा, मान लीजिए कि फायदा हो जाएगा, सब चीज़ें मान लीजिए, मेरे कहने पे मान लीजिए और करके देखिए, रिजल्ट आएगा तो उसके बाद मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि मान लीजिए, खुद आप मान करके अगली बार से किया करेंगे।
ऐसे बहुत लोगों को कहा, सबको रिजल्ट आए, लेकिन सब तरीके से कीजिए, जिस चीज़ को कीजिए परफेक्टली कीजिए। अगर मैथ सॉल्व करते हैं उसमें एक भी लाइन अगर आप मिस कर जाते हैं तो सही आंसर नहीं आता है। तो जब आप ईमानदारी से मैथ किए हैं, सभी सब्जेक्ट आपने पढ़ाई किया, तो ये भी एक पढ़ाई समझ करके आप पढ़ाई कर लीजिए, मेरी बात मान लीजिए और ठीक तरीके से कीजिए। देवी माँ की पूजा गणपति जी के बाद कैसे करना है, आप देवी माँ विराजमान हैं उस तरीके से उनको पंचोपचार पूजा करना है, फल फूल मिठाई वस्त्र सुगंध इत्यादि चढ़ा करके। तो देवी माँ शैलपुत्री हैं तो इनको जो भी चीज़ ऐसी जंगली फल होते हैं या औषधियाँ होती हैं ऐसी भी चीज़ें चढ़ा सकते हैं आप। तो अगर आप औषधियाँ, आप बीमार हैं कोरोना काल से के बाद आप बीमार हैं तो अपनी औषधियों को भी देवी माँ को चढ़ा करके उनको पवित्र, उनको पावरफुली करें, मतलब उसको एनर्जाइज करें एक तरीके से, सामने उनको देवी माँ को चढ़ाएं, उसके बाद सेवन करें, बहुत फ़ायदा होगा। खासतौर पर आयुर्वेदिक औषधि के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। तो इसलिए ऐसे करके आप देवी माँ का आज का भोग घी है, घी भी साधारण घी नहीं, शुद्ध घी का, मतलब देशी गाय का शुद्ध घी, बिलोना वाले से बिलो के करते हैं वही घी का महत्व है। वही घी कहीं से भी अरेंज करें वो इतनी आसानी से मिलेगा, बहुत महंगा मिलता है, 3,000-5,000 रुपये किलो मिलता है। आप थोड़ा अरेंज कर लें और देवी माँ को चढ़ा करके उसके बाद उसका सभी लोग भोग करें तो अच्छा रहेगा। तो उससे क्या है कि आपको काफ़ी फायदा होगा। साथ साथ ये भी है कि आप देवी माँ को, देवी माँ का भोग चढ़ाएं। आपको कोई प्रिय चीज़ है, आपको लगता है आपको मिठाई गुलाब जामुन बहुत पसंद है, तो देवी माँ को अपनी प्रिय चीज़ भी चढ़ा सकते हैं। शबरी माँ आपने जूठे बेर राम जी को दी थी, प्रेम से दी थी, श्रद्धा से दी, राम जी प्रसन्न हुए थे, उनको फल दिए थे। देवी माँ को फर्क नहीं पड़ता, देवी माँ को अगर आपने माँ माना है तो आपको बच्चे की तरह प्रेम करेंगी और बच्चे की तरह ही आपको फल देंगी। तो आप सरल भाव से सारा ईगो, सारा घमंड, सारा गुस्सा सबको हटाइए और बड़े अच्छे तरीके से एक बच्चा बन करके देवी माँ को आदर दीजिए, मान दीजिए, प्रेम दीजिए और रिजल्ट 100% आएगा ही आएगा। उसके बाद क्या करना है, उनसे क्षमा जरूर मांग लें कि हे देवी माँ, आपको संस्कृत नहीं आती, मैं संस्कृत बोल सकता हूँ लेकिन बोलने का कोई फायदा नहीं क्योंकि आप समझ नहीं पाएंगे या फिर आप लिख नहीं पाएंगे और आपके आपके साथ एक टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसलिए क्या है कि आपको संस्कृत में करना है तो किसी विद्वान पंडित जी को बुला के कर लें, हिंदी में करना है तो मैं बता रहा हूँ, देवी माँ से बोले कि हे देवी माँ, मुझे कोई ज्ञान नहीं है, मुझे जितना पता चला है, या आप बोल सकते हैं कि चैनल में मैंने बताया था और उनके बताने के हिसाब से मैंने किया है, कृपा करके मुझे प्यार के साथ आशीर्वाद प्रदान करें और मेरे जीवन सफल करें। बिल्कुल, इसी भक्ति भाव के साथ माँ की असीम कृपा जो है वो आप पर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों को आज नवरात्र के पहले दिन की इतनी सारी जानकारियां हैं वो आपने दी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो जाहिर तौर पर नवरात्र के पहला दिन बेहद भक्ति भाव आपके मन में रहे और साथ ही साथ जो कि हमेशा हम कहते आए हैं कि अपने माता पिता का हमेशा आदर सम्मान करें और प्रथम पूज्य गणेश जी का आप सभी को, आपके परिवार को आशीर्वाद प्राप्त हो। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय माता दी।